नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज की टॉप 20 खबरों के लिए मैं हूं आपके साथ रत्नाकर। आम आदमी पार्टी मिजोरम में चुनाव लड़ेगी। आम आदमी पार्टी जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा करेगी। सभी सीटों पर न लड़कर कुछ सीटों पर ही आप ये चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा राजस्थान के उदयपुर और जोधपुर का दौरा करेंगे। नड्डा इन संभाग के सभी जिलों के पार्टी नेताओं के साथ बैठक करेंगे। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भूकंप आया है। यहां आज सुबह 9:11 पर 4 की तीव्रता का भूकंप आया है। हिमाचल प्रदेश में अगले 2 दिन तक भारी बारिश और बर्फबारी का येलो अलर्ट जारी किया गया है। टूरिस्ट को पहाड़ियों पर ऊंचाई वाले स्थानों पर न जाने की एडवाइजरी जारी की गई है। इसराइल में हमास के हमले से अब तक 1400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। इसराइल की पलटवार से गाजा में 2400 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। मध्य प्रदेश चुनाव पर केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि कांग्रेस की सूची में कोई जीता उम्मीदवार नहीं है। बीजेपी ने जो सूची जारी की है उसमें ज्यादातर उम्मीदवार जीतेंगे। ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका की टीमें आज वर्ल्ड कप 2023 में आमने सामने होगी। दोनों टीमें इससे पहले 102 बार वनडे क्रिकेट में भिड़ चुकी हैं। आईटी रूल 2021 के तहत भारत सरकार व्हाट्सएप को एक आदेश देने वाले हैं, जिसमें कंपनी को यूजर्स का निजी डेटा सरकार के साथ शेयर करना होगा। एनसीपी चीफ शरद पवार ने यह दावा किया है कि देश के कई हिस्सों में बीजेपी की राजनीतिक ताकत सिकुड़ रही है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाया है कि बीजेपी दूसरों को बर्बाद करके आगे बढ़ना चाहती, फिलहाल वह किसी को अपने साथ नहीं चाहती। मुंबई पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया जिसने ताज होटल में बम होने की फर्जी सूचना दी थी। आरोपी का नाम धर्मपाल सिंह है, जो नई दिल्ली का रहने वाला है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने समृद्धि हाईवे पर हुए भीषण सड़क हादसे में मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। महाराष्ट्र के पुणे में पुलिस ने 11 बांग्लादेशियों को अपनी हिरासत में ले लिया है। ये लोग शहर में अवैध रूप से रह रहे थे। इनके पास से कई दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। शिवसेना नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर हिंदुत्व की विचारधारा छोड़कर समाजवादियों के साथ जाने के आरोप लग रहे हैं। अफगानिस्तान ने विश्व कप 2023 के 13वें मैच में इंग्लैंड को बुरी तरह से हराया। अफगानिस्तान के लिए ये जीत ऐतिहासिक रही। उसने दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में 69 रनों से जीत हासिल की। टीवी का पॉपुलर शो बिग बॉस 17 शुरू हो गया है। शो में इस बार कई मजेदार कंटेस्टेंट्स देखने को मिलने वाले हैं। इस बार शो में टीवी सेलेब्स से लेकर यूट्यूबर्स को भी लाया गया है। मिशन रानीगंज बॉक्स ऑफिस पर काफी धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही है। फिल्म रिलीज के 10 दिनों में 30 करोड़ का आंकड़ा भी पार नहीं कर पाई है। पूर्व मिस वर्ल्ड कंटेस्टेंट शेरिका डियर मास का 26 साल की उम्र में निधन हो गया है। वे सर्वाइकल कैंसर से जूझ रही थी। उनके निधन की खबर से फैंस और तमाम सेलिब्रिटीज सदमे में हैं। शाहरुख, काजल और रानी मुखर्जी स्टारर फिल्म कुछ कुछ होता है को 25 साल पूरे हो गए हैं। ऐसे में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग में इस फिल्म के स्टार कास्ट ने पहुंचकर फैंस को सरप्राइज दिया। फुकरे 3 ने बॉक्स ऑफिस पर जमकर धमाल मचाई है। फिल्म ने अपने कैश रजिस्टर में कई करोड़ ऐड कर लिए हैं। तीसरे हफ्ते में भी फिल्म जमकर कमाई कर रही है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला एनबीसी न्यूज पर यूं ही लगातार चलता रहेगा। बने रहे हमारे साथ में एनबीसी न्यूज पर। एनबीसी के तमाम दर्शकों को नवरात्रि के हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।